हाथ लगा, फायदा उठाते हो आप। हाथ लगा लेते हैं। अच्छा हाँ। पकड़ गई दाना को, मैंने को नहीं पकड़ी यहाँ, बस मेरी कह रही है मेरी बस। ओए कहाँ गई लावा, इधर चेक करो ये बैठी हुई है। लावा वैसे बहुत प्यारी लग रही है, घास में सब सब नीचे कुछ नहीं कलाया, फिर नीचे कुछ नहीं कलाया, फिर जो है ना मैं सिवैया बनाती थी, फुरकुलैसी सिवैया जिसको हम कहते थे, फुरकुलैसरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ पे भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज असल में दिन को मेरी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी, तो इसलिए सारा दिन जिस्म में दर्द था काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए आज शाम को मैं व्लॉग शुरू कर। तो आज ईद का दूसरा दिन है, तो आप सब बहन भाइयों को ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप सब ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप सब बहन भाइयों की ईद कैसी गुजरी है। माशाल्लाह से अभी जो है ना तकरीबन टाइम हो रहा है 5 बजे का, और अभी मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो अभी मैं बाहर आई हुई हूँ, आज मैंने ना ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का सूट पहना हुआ है। तो आज का हमारा व्लॉग बहुत अच्छा होगा, तो अपनी वीडियो को मुकम्मल देखना है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और बाहर का माहौल देखें। जैसे अभी ईद थी, लेकिन फिर भी देखो सब ने ना गंदम की कटाई शुरू कर दी है। ईद वाले दिन भी जहाँ पे ना हमारे हमसायों ने ना गंदम की कटाई की है, तो मशीन आई हुई थी ईद वाले दिन भी, क्योंकि गंदम पक गई है ना सारी, तो उसको वक्त के ऊपर ना काटना चाहिए, वरना वो ख़राब हो जाती है। फिर आपको पता है बादल वगैरह कभी बन सकते, कभी बारिश भी आ सकती है, इसलिए जो है ना मौसम का कुछ पता नहीं होता। तो अभी चलते हैं अंदर। और आज मैंने अम्मी से कहा है कि कल मैंने सिवैयाँ नहीं खाई, कल मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया, मैंने कहा आज ना मुझे ना अपनी हाथ से सिवैयाँ बना के दो, वो भी भुनी हुई और दूध वाली सिवैयाँ, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अम्मी जो है ना वो बना रही हैं, और खाना जो है ना वो मैंने बनाना है, और रोटियां जो है ना वो भी अम्मी लगा देंगी, आटा भी मैंने गूंध दिया है। और सुबह को उठ के सफाई वगैरह कर करके हम सो गए थे सारा दिन, दिन को इतनी कोई गर्मी थी ना, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, तो गर्म लू चली हुई थी, जैसे हवा चली ना तो वो गर्म हो गई धूप की वजह से ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो इसलिए कुछ भी कोई भी काम नहीं हो रहा था। आज जो है ना भाई और मेरी ना मैचिंग हो गई है, भाई ने कल से कपड़े चेंज नहीं किए, पता नहीं क्यों नहीं किए कपड़े चेंज, तो अभी भाई को दिखाती हूँ, वो बाहर बैठे हुए हैं, और हम दोनों की ना सेम मैचिंग हो गई है कपड़ों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है। ठीक, आप सुनाओ। ठीक, बाहर क्या सोच रही हो बैठ कर, आज कपड़े चेंज नहीं किए आपने। कल चेंज करोगे, चलो सही है। कल या परसों हम लोग जा रहे हैं जी घूमने के लिए, इंशाल्लाह पूरी फैमिली, बच्चों को भी लेकर जाऊंगी, भाई भी जाएंगे। तो भाई कह रहे हैं कल करूंगा या परसों, नए कपड़े एक और सूट आना इसका, कहते हैं वो, अच्छा वो वाइट सूट पहनना भाई, शादी पे लिया था वो वाइट कलर का, वही उसको ना धुलाई करवा के ना उसको मैं इस्त्री कर दूंगी अच्छी से प्रेस करके ना, वो पहन के जाना, ठीक है, अच्छे लगोगी। हाँ तो ये देखें जी, यहाँ पे हमने ना ये जो होजी बनती है बाथरूम के लिए वो बनवाई थी ना, तो वो मिस्त्री आना है, मिस्त्रों ने, बहुत ज़्यादा नीचे है ये, देखो डर लगता है, इसलिए हमने इसको ढांपा हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खतरे वाला है, इसलिए इसको हमने ढांप के ना यहाँ पे रखा हुआ। इसके ऊपर अभी वो दूसरा सीमेंट का बनेगा, वो ऊपर आएगा तो फिर ये सेव हो जाएगी यहाँ पे ना। तो वहाँ की जो पहले वाले बाथरूम की जो हमारी खुई थी ना, वो ख़राब हो चुकी थी ना, इसलिए हमने न्यू जो है ना वो होजी बनवाई है यहाँ पे, इसको हम होजी और खुई भी कह सकते हैं। तो अभी अंदर चलते हैं जी, और अंदर जाके बच्चों को आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह बच्चों ने भी आज कपड़े नए पहने हुए हैं, लेकिन घर में आपको पता है जैसे होता है रूटीन वैसे चल रहा है। तो माशाल्लाह से आज बच्चे भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, और बच्चे जो है ना वो खेल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो अमन, ठीक हो, क्या बात है अमन की, हैं अमन तो बहुत ही प्यारी लग रही है, अमन आज मैकअप नहीं किया होगा ऐसे, चलो सही है। वाह जी वाह जी वालेकुम सलाम, कैसी हो समाविया, ठीक हो माशाल्लाह, ये सूट प्यारा लग रहा है समाविया आपके। और क्या हो रहा है, सिवियाँ बनवा रहे हो, मुजम्मिल के कपड़े चेंज नहीं करवाए आज, मुजम्मिल सारा दिन खेल खेल के कपड़े चेंज नहीं किए इसने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो लहबा, ठीक हो, हाँ। कपड़े तो माशाल्लाह आज भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, रोजाना पहने ड्रेस होते हैं, कल और पहनूंगी। अच्छा हाँ। मैकअप नहीं किया आज ऐसे, हाँ मैकअप नहीं किया, थोड़ा सा लिपस्टिक लगाई है। क्या लिपस्टिक, लिपस्टिक क्या होती है, लिपस्टिक, लिपस्टिक। असल में मेरी बहन बहुत ही मासूम है, और अबू जी अभी चाय बना रहे हैं अंदर, और अभी अब आए हैं वापस, क्योंकि हमारे एक तो दुपट्टे जो है ना, जो हमने उधर घूमने के लिए जाना ना वो पहन के जाना, उनके दुपट्टे जो है ना वो पीको नहीं थे ना, समावे के थे ना मेरे, तो वो ये भी करवाए हैं अभी अभी, क्योंकि कल परसों वाले दिन मुझे टाइम मिला नहीं है इसलिए। और अभी जो है ना अम्मी सिवैया बना रहे हैं जी, वो आपको दिखाते हैं। तो आज ना अम्मी से मैंने कहा है
जब हम छोटे छोटे होते थे ना तो तब जो है ना हम सिवैया बनाते थी फुरकुल ऐसी सिवैया जिसको हम कहते थे फुरकुल ऐसा की जबान में ना वो बिल्ले वाली होती थी। लेकिन आजकल तो घर में कोई करता नहीं है, बाजार से आ जाती हैं वहीं से मतलब लेकर ना बना लेते हैं। तो मैंने अम्मी से कहा है आप ट्राई करें वैसे ही हमें बना के दें। तो वो ना हम ना उसको सिवैयों को ना उबाल के ना वो मोटी मोटी सिवैया होती थी ना घर की देसी, घर का आटा होता था घर में बनी होती थी। तो आज तो आजकल का तो वो दौर ही नहीं चल रहा, बाजार में जाते हैं वहाँ से ना जाके ना ले आते हैं। तो आज ना मैं व्लॉग में काफ़ी तेज़ बोल रही हूँ, जब से मैंने वीडियो शुरू करी है मैं खुद को मुझे महसूस हो रहा है कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ। तो अभी दिखाती हूँ जी मैं आपको अम्मी सिवैया बना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, अम्मी भी प्यारी लग रही हैं। मैंने ना मंजूरा पाक दिया। अच्छा ठीक है, तो अम्मी ना सिवैयों को भी भून रही हैं क्योंकि अम्मी के हाथ का जो जायका ना वो किसी के हाथ में नहीं है। भाजी भी बनाऊंगी आलू सालों पर, वो तो मैं बना दूंगी, खाना मैं बनाऊंगी ठीक है दूंगी। उसी में जो है ना आप बनाएं माशाल्लाह, अम्मी के हाथ के खाने की बात ही अलग है जी। अल्लाह पाक सब के नसीब करे अम्मी के हाथ का खाना। तो अभी अबू जी जो है ना वो चाय बना रहे हैं और अबू को भी दिखाते हैं आपको। और मुजम्मल के ना कपड़े अभी चेंज करवा रही है, समावे से मैंने कहा कपड़े चेंज करा दो क्योंकि सुबह से वो गया है अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने बाहर खेल खेल के ना, अभी वो वापस आया है। ईद का दिन था ना तो बच्चों को छुट्टी थी इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो अबू? अच्छा अबू ना स्पेशली आज गए सिलेंडर भरवाने के लिए। ऐसे चलो चाय पी रहे हो? इधर दो, आपने नहीं पीनी? मैंने पीनी है, मैं बोल रही हूँ भी पहला। चाय भी पी रहे हैं साथ साथ। और अभी मुझे ना आज काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, थोड़े से दो तीन निवाले खाए थे सुबह को, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो अभी अम्मी सिवैया बना रही हैं, सिवैया खाएंगे उसके बाद फिर मुझे कपड़े चेंज करो फिर हम खेलते हैं। ये इसको कहूँगी ना ऐसे खेलते हैं फिर ये चेंज करवाएगा, वरना मैं चेंज नहीं करवाता। अभी मैं दोबारा से बाहर आ गई हूँ और बच्चे जो है ना वो बाहर खेल रहे हैं, समा भी है मन क्योंकि शाम होगी और मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा बना हुआ है तो इसलिए सब जो है ना खेल रहे हैं। मुझे भी खिलाओ साथ में, भाग नहीं सकती मैं। हो गए, वापस आ जाओ, वापस वापस आ जाओ। लैबा लैबा को हमेशा हाथ लग जाता है ऐसे है मन, मैंने कहा लैबा को हमेशा हाथ लग जाता है ऐसे। उठाते हो वो? अच्छा कितनी देर भाग सकती है, एक या दो मिनट? ऐसे एक मिनट भी पूरा नहीं भाग सकती, पकड़ी जाती है। पेट में दर्द होने लगा अभी तक। मुजम्मल को तो देखो नहा रहा था, वो कहता है शाम होगी मेरा भी नहाना है। हाँ लगाओ लगाओ, देखते हैं लगा सकती दोनों में से। अच्छा आप ऐसा करो ये घास चुप चुप पता भी नहीं चलेगा इसको, छुपे छुपे हाथ लगा लेगी वो तो। नहीं लगाएगी, छुपो तो सही। चलो भागो भागो भागो, घास नहीं खराब करना। हाँ ए पकड़ गई दाना को, मैंने भी नहीं पकड़ी यहाँ, जूते टूट जाएंगे आपके। कह रही है मेरी बस। ओए कहाँ गई समाविया, लैबा गुम हो गई है, इधर तो इधर चेक करो ये बैठी हुई है। अस्तगफिरुल्लाह, थक गई हो? हाँ। लैबो वैसे बहुत प्यारी लग रही है, घास में सब सब नीचे कुछ निकल आया फिर लग रही है, थक गई तो प्यारी नीचे कुछ निकल आया फिर भाग गई। एक मिनट भी नहीं भागी। अच्छा बैठो यहाँ इशा तक ठीक है, कुत फट जाएगी। चलो मैं अंदर जा रही हूँ, आप लोग भी आना है तो आ जाओ, अंदर आना तो आ जाओ। सिवैया बनी हुई, सिवैया खाती हैं सब साथ में बैठकर। मुझसे तो भाई नहीं भागा जाता, ऐसे भाग तो लेती हूँ लेकिन इतना तेज नहीं। अब हम बड़े हो गए, हम बच्चे थोड़ी हैं, भागना शुरू कर दे। तो अभी सिवैया सिवैया बन गई होंगी हमारी। क्या हुआ है मुजम्मल, ये वाला टूट पहन नहीं है, ऊपर कंघी तो करो बालों को। हेलो कंघी नहीं है, कंघी पड़ी हुई है, जाओ समझ जाओ करो कंघी को, पहले कंघी तो कर लो जाओ। मुजम्मल किसको लगेगा? किसी को भी नहीं लगेगा, जाओ कंघी कर लो। आ लिया सिवैया, वाह जी वाह क्या बात है। दूध भी है? नहीं नहीं काफी है,
बहुत ही जबरदस्त लग रही है, टेस्टी लग रही है, खाने में भी, देखने में भी, खाने में भी। मुझे असल में भूख आज बहुत ज्यादा लग रही है। इसमें सारे सारे मेवे भी डाले हुए हैं इसमें। उधर ना मलाई है ना उते हाँ, वो ये मलाई आ गई ऊपर दूध की ना। हाँ चलो, जबरदस्त लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर खोया आया हुआ। चलो जब इसी भैया खाते हैं, और वो दोनों वो जा रहे हैं, देखो आपस में बात करते हुए। पीछे देखें हमारी पूरी फैमिली जो है ना, वो सिवैयाँ खा रही है, क्योंकि सिवैयाँ जो है ना वो हमारी तैयार हो गई हैं। अम्मी ने बना ली हैं सिवैयाँ, तो अभी मैंने खाना भी बना दिया माशाल्लाह से, क्योंकि मीठा खाने के साथ साथ ना सबको भूख भी लगती है, फिर खाना भी हम सभी खाएंगे, और मुझे भी आज काफ़ी ज़्यादा भूख। अम्मी मुझे भी दो सिवैयाँ। आप तो खा रहे हो पहला। हाँ सालन रोटी वो तो देंगे, सही बनी हुई है, कैसे जबरदस्त बनी हुई है, अच्छा चलो खाओ। ये देखो जी, किसी ने खानी है तो आज है। चलो से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और आज जो है ना हमारी शाम माशाल्लाह काफ़ी अच्छी गुजरी है। आज अम्मी ने अपने हाथ से सिवैयाँ बनाई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त। मैंने वैसे पहले टेस्ट किए हैं थोड़ी सी, बहुत ही अच्छी बनी हुई थी माशाल्लाह। तो ये तीन दिन होते हैं ईद के, तीन दिन पहले हम जब होते थे छोटे छोटे, तो अम्मी तीन दिन ना ईद के सिवैयाँ हम बनाते थे तीन दिन ना, तो हमारा तीन दिन सिवैयाँ खा खा के ना हमारा इतना दिल करता था कि सब्जी हो हम सब्जी खाएँ। लेकिन अब तो खैर हालात ही कुछ चेंज हो गए, मतलब एक दिन सिवैयाँ बनाते हैं वो भी बाज़ार के लेकर, पहले तो ऐसे नहीं होता था, पहले और तरह से थे, अब और तरह से हालात है। तो जाहिर सी बात है वक्त बदल रहा है, इंसान बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाइयों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। इंशाल्लाह अगला जो हमारा व्लॉग आने वाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग आने वाले हैं जी। हम प्लान कर रहे हैं कहीं बाहर जाने का, कल या परसों इंशाल्लाह हम जरूर लाजमी लाजमी जाएंगे, और बच्चे जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। कोई पता नहीं है, कल बनने का प्रोग्राम तो कल, वरना परसों तो डन है ना, परसों तो लाजमी जाना है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।